देखेंगे आज रोहिणी का मैप। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लास्ट तक सुनिएगा। हो सकता है शुरू में आपको वीडियो इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन लास्ट तक आते आते वीडियो में बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। ये देखिए सेक्टर 35 रोहिणी का है और ये सेक्टर 34 रोहिणी का है। तो इसमें हम देखते हैं कि 35 और 34 को डिवाइड कर रही है बीच में ये रोड। 34 और 35 60 मीटर वाइड रोड है। देखिए जो ये रोड है ये इस तरीके से आएगी। यहां पर हम पढ़ पा रहे हैं औचंदी बवाना रोड 60 मीटर। तो सेक्टर 35 के बराबर में ये औचंदी बवाना रोड है 60 मीटर की। और देखिए यहां पर लिखा हुआ है टुवर्ड्स रोहतक रोड, तो इस तरफ रोहतक रोड है। ये 100 मीटर वाइड रोड है, 1 मीटर में 3.281 फीट होते हैं। तो यानी कि माने तो ये करीबन 325 फुट चौड़ी रोड है। सेक्टर 34 और 35 को ये 325 फुट चौड़ी रोड कनेक्ट करती है और इन दोनों के बीच में ये 60 मीटर की रोड है, यानी कि करीबन 190 फुट की। ये चली जाती है एक तरफ जीटी करनाल रोड, 100 मीटर वाइड रोड इस तरफ जीटी करनाल रोड चली जाती है और इस तरफ रोहतक रोड चली जाती है। तो अभी द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऐसा बताते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनते ही रोहिणी की जो कनेक्टिविटी है वो गुड़गांव के बहुत पास हो जाएगी, समय बहुत कम लगेगा रोहिणी तक आने के लिए। तो अब ये देखते हैं, इधर 45 मीटर की वाइड रोड है। 34 को अगर हम देखते हैं तो यहां पर देखिए आप, ये C1 पॉकेट है, इसके नीचे C2, C3, C4, C5, C6, और ऐसे ही इधर देखिए A1, A2, A3 और A4। सेक्टर 34 का कॉमर्शियल है जो ब्लू कलर से है, यहाँ पर कॉमर्शियल दिया हुआ है। यहाँ पर सेक्टर 34 में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये मल्टी लेवल पार्किंग, कम्युनिटी हॉल।